नमस्ते गाइस, क्या चल रहा है? ये जो मैं वीडियो अभी बनाने वाला हूं, मैंने आज तक ऐसा वीडियो नहीं बनाया। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक, क्योंकि पहले मैंने अपने आवाज के अंदर की इस लेवल की गहराई नहीं डिस्कवर करी थी। दूसरा, क्योंकि YouTube ये जगह नहीं है ये सारी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि लोगों को काफ़ी कुछ पता चले। तो मैंने आज तक अगर इसके बारे में बात करी तो हमारे मीटअप्स में रहा है फ्रीमैन के, या फिर मेरे पर्सनल कोचिंग सेशंस में रहा है, क्योंकि ये बातें हैं जो बहुत ही इंटीमेट सेटिंग में समझ में आ सकती हैं, क्योंकि खुद के साथ नंगा होना ज़रूरी होना पड़ता है। एज वेल एज ये ऐसी बातें हैं जो अगर आज तक आप एक सर्टेन लेवल ऑफ, और ये इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है, आज तक अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ सेंसिटिविटी या अवेयरनेस पे नहीं आए हो तो आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली एक सर्टेन लेवल ऑफ सेंसिटिविटी या अवेयरनेस की जरूरत है इन बातों को समझने के लिए। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग समझो, हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन आज तक जाग के पहली बार मैंने 2016 से जब से YouTube पे मैं हूँ, पहली बार मैं ऐसा एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हम सबसे डील करता है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो समझ सकेंगे कि इनके साथ कैसे डील करता है, और कुछ लोग हैं जो कभी भी नहीं समझेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2025 तक शायद समझने का स्कोप हो, लेकिन मेरे को लगता है 2025 के बाद मैं टॉपिक पे आता हूं तो शायद आप लोग को फिर ज्यादा बेटर रहेगा समझाना। तो 2022 के सच की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं, और वो अगेन मेरा सच है, हो सकता है बाकियों का ना हो, बट मेरे को पता है कि काफ़ी ज़्यादा और लोगों का भी सच है, क्योंकि ये 2022 में नहीं होना शुरू हुआ है, ये काफ़ी पहले से होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो 2022 दो रियलिटीज होंगी इस भूमि पे, क्योंकि दो प्रकार के सिविलाइजेशंस होंगे जिनके दो अलग प्रकार के वेज ऑफ लिविंग होंगे, ठीक है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ऑब्वियस चीज है और ये दिखनी शुरू हो गई है, ठीक है, जिसके फिजिकल जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक नॉन जॉब मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, एक जो पूरा पूरा ट्रांजिशन टू वर्क फ्रॉम होम आया है, क्योंकि वो बेसिकली ज्यादा आजादी के साथ डील करता है। बट एनीवे, इन सब के पीछे की थोड़ी गहराई मैं आप लोगों को समझाता हूं। हम एक ऐसे समय पे हैं धरती पे जिसके बाद ये धरती कभी भी ऐसे नहीं रहने वाली, और ना ही इसके ऊपर जितने लोग जीते हैं वो वैसे नहीं रहने वाले। हम सब एक बहुत ही गहरे लेवल के चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं, जिसको सब लोग नहीं पहचान सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, काफी लोगों की वो सेंसिटिविटी अवेयरनेस नहीं है, और एक्चुअली काफी लोग जिनके साथ ये हो भी रहा है, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पा रहे, वो गलत तरीकों से उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको वो मटेरियलाइज कर रहे हैं, मैं भी इंक्लूडेड, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है जो आया हुआ है, जो सदियों से नहीं आया हुआ है धरती पर, और उस चेंज के बाद ये धरती और ना ही इसके ऊपर जो लोग रहते हैं वो कभी भी सेम रहने वाले नहीं रहने वाले। एक इतने इंट्रिकेट और गहरे लेवल पे चेंज आने वाला है हम सबके अंदर कि हमें से काफी लोग हैं जो शायद उसको पहचाने ना, ठीक है, लेकिन ऐसा हो रहा है, चाहे आप देख सकते हो या नहीं, चाहे आपकी वो अवेयरनेस है या नहीं, चाहे आप अपने आप को भी उतना डीप लेवल पे पहचान सकते हो या नहीं। दो टाइप के जो लोगों की मैंने बात करी, ठीक है, क्योंकि दो रियालिटीज की मैंने बात करी धरती पे होंगी, वो दो अलग टाइप के सिविलाइजेशंस के थ्रू होंगी, जिनके दो अलग टाइप के रहने के तरीके होंगे इस धरती पे। वो दो रियलिटीज ऐसी हैं, एक होगा जिनकी आंखें खुली है, और एक रियलिटी होगी उन लोगों की जिनकी आंखें बंद है।
और यहां पे हम इन आंखों की बात नहीं कर रहे, इन फिजिकल आईज की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो हम सब खोलते हैं और बंद करते हैं। आप कह सकते हो हम अंदर की आंख की बात कर रहे हैं, जो बुलशिट को फिगर आउट कर सकता है फ्रॉम वॉट इज नॉट बुलशिट। ठीक है, क्रिप्टो चल रहा है, ठीक है, दुनिया में अलग अलग तगाओं का आतंक चल रहा है, पंगे चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन काफी लोग हैं क्योंकि उनकी आंखें खुली हैं तो स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है वो उसको नहीं मानते, क्योंकि स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है वो सदियों से यूज किया जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। मैं पहली बार ऐसी बातें बता रहा हूं यहां पर। स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है, इंक्लूडिंग जिस स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हो, जो आपको दिखाया जाता है, जो आप चॉइस से देख रहे हो वो अलग है, बट आपकी चॉइस भी इंपैक्टेड होती है कि क्या आपको बार बार दिखाया गया है, जिसकी वजह से आपका वे ऑफ थिंकिंग बिहेवियर सब चेंज हो जाता है, लेकिन एंड में चॉइस फिर भी आपकी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप वो नाचती नाचती वो टिकटॉकर लड़कियों को देख रहे हो या आप सेम टेक्नोलॉजी को किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो दो अलग टाइप की रियलिटीज है, इसमें एक वो है जो जग रहे हैं, कुछ है उसमें से जो जग चुके हैं और कुछ है जो आगे जाके जगेंगे, और कुछ है जो जिंदगी भर सोते रह जाएंगे। जिंदगी भर जो सोते रह जाएंगे वो ऐसे लोग हैं जो अभी भी सिस्टम में मानते हैं। ठीक है, मतलब वो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मानते हैं, जो रेडियो न्यूज टेलीविजन पर बोला जाता है उसमें मानते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मानते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें भेड़ बकरियों के लिए होती हैं वो उसमें मानते हैं, जो भी चीजें सबके सामने फीड की जाती है वो उसमें मानते हैं, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले लोग नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं है जो सवाल उठाते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, एक ऐसी क्या चीज आई जिसकी वजह से, चलो छोड़ो, बट बेसिकली जो जग रहे हैं वो सवाल उठाते हैं और सच जानना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना भी सच जानना चाहते हैं, और जो दूसरा रियलिटी है वो उन लोगों का है जो सोते रह जाने वाले हैं, और अगेन जैसे मैंने कहा हम फिजिकल एज की बात नहीं कर रहे, तो वो जो सोते रह जाने वाले हैं वो बेसिकली फिर भी मानेंगे कि ऊपर से जो भी आ रहा है आदेश उसको एक स्लेव की तरह, एक नौकर की तरह चुपचाप मान ले। मैं अगर तुम्हें बता दिया कुछ कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है और इसको अपने शरीर में डाल लो तो मान लो और डाल लो। ठीक है, अगर तुम्हें बता दिया मतलब क्या ये टेलीविजन पे कि अब ये होने वाला है तो मान लिया कि हाँ ये होने वाला है। वो चीज जो बताई जा रही है आपको कि ये होने वाला है और उसकी वजह से अब आप में अंदर डर है और चिंता है, वो आपको किस चीज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखाया जा रहा है, वो सवाल जिसने नहीं उठाया वो मतलब अभी तक सो रहा है इंसान। ठीक है, और जो सवाल उठा रहे हैं वो जग रहे हैं, और ये आप अपने आसपास हर जगह देखोगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अब एक अपने तरीके से जिंदगी जीने के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अपने तरीके से जिंदगी जीने के ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब वो अब फंस नहीं रहे कि डिग्री की जरूरत है, और ये मैं बोल रहा हूं, मेरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री है स्कॉलरशिप के ऊपर, जो वो यूनिवर्सिटी जिसने आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स बनाए, लेकिन जब से वो मुझे डिग्री मिली है मैंने देखी तक नहीं है वो, ज्यादा से ज्यादा नौकरी लेने के टाइम पे मेरे को काम आई थी जब मैं बाहर था, बट वो भी करने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि अंदर से और बाहर की जो मेरी दुनिया वो मैच नहीं कर रही, तो मेरे को कुछ और करना है जो मेरा मकसद होगा, इसलिए सब छोड़ दिया, और आज तक वो डिग्री मैंने देखी भी नहीं है, क्योंकि पेपर पे अगर ठप्पा मार दो ना इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ हो, ज्यादा से ज्यादा ये बता देते कि तुम इतना रट्टा मार चुके या इतना तुम ये कर चुके कि तुम यहां तक पहुंच चुके और इसकी वजह से तुम दूसरों से ऊपर हो। आज तक का जो सिस्टम रहा है, जैसे पढ़ाई का भी एक हम वीडियो बनाएंगे, चलो अगर आप लोग को चाहिए, 90% वालों का सच, ठीक है, कि ऊपर नीचे में हम लोगों को बांट दिया जाता है ऊंच नीच में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम दूसरों से अलग है, बट ऐसा नहीं है, हम सब एक्चुअली बहुत सिमिलर होते हैं और हमें एक्चुअली बहुत ह्यूमिलिटी में जीना चाहिए एक दूसरे के साथ, लेकिन आजकल भी लोग नेगेटिविटी की साइकिल्स में फंसे हुए हैं, गॉसिप करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, जो भी,
और मतलब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, 40-50 साल के लोग भी ये करते हैं, जो बहुत ही मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कैसे। और मतलब इतनी छोटी सी कुछ सोच होती है। मैंने आप में से जो लोग टेलीग्राम पे हो, मैंने वहाँ पे चैनल स्टार्ट किया है सेम एट शरद कालरा करके, वहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे अपना मैं जैसे आप लोगों को पता है मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वैसे एक्टिव नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बस बाहर की दुनिया को पता नहीं। लेकिन आजकल काफी दुनिया ऐसी है जो जब तक वो बाहर की दुनिया में दिखता नहीं वो मानते नहीं है, ठीक है। तो एक जैसी चीज मैंने लिखी थी, जितनी बड़ी जेब उतना छोटा दिल, क्योंकि मैंने देखा हुआ है अमीर से अमीर लोगों को जो 10 रुपए मतलब उनके घर में जो काम कर रहा है उसको चाय पिलाने के लिए भी नहीं निकाल सकते। तो एनीवे, ये दो अलग टाइप की रियलिटीज होने वाली है, ठीक है, एक जगे हुए लोगों की, एक जो सोते रह जाएंगे जिंदगी भर, जिसकी वजह से आगे स्पेशली 2025 के बाद, और क्योंकि क्योंकि अभी ना जो चेंज आ रहा है वो अपने पीक की तरफ जा रहा है, इसलिए अंदर से बहुत ज्यादा लोग उलझन में हैं। बट उन्हें लगता है वो उलझन इसलिए क्योंकि शादी ठीक नहीं हुई या जॉब में ठीक नहीं चल रहा है, बट वो उलझन और भी बहुत ज्यादा गहरी है, ठीक है, बट वैसी बातें यहां पर करी नहीं जा सकती। तो ये जो दो अलग अलग टाइप के सोसाइटीज होंगी, इसमें से एक होगी जो आजादी के ऊपर बेस्ड होगी और एक होगी जो यस सर के ऊपर ही बेस्ड रह जाएगी जिंदगी भर, जो जिंदगी भर बॉस की चाटने में लगे रह जाएंगे, कंपेयर टू के खुद का कैसे बॉस पहले बने। जो ऐसे हैं जो जिंदगी भर यही मानेंगे कि जो पैसे का सिस्टम है वो है सही है, लेकिन यही मैं बोल रहा हूं कि अब आप इसके इंडिकेटर्स देखने लगोगे, नॉन जॉब मूवमेंट पूरा का पूरा आ गया है, ठीक है, बहुत लोग हैं जो जग गए कि ये क्या सिस्टम है, मतलब क्या गंद है ये, इससे अच्छा मैं खुद से कुछ करता हूं। हां मेहनत ज्यादा है, हौसला ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन इट इज वर्थ इट, इसलिए वो कर रहे हैं। फिर बहुत ज्यादा है जो लोग क्रिप्टो में घुस रहे हैं, उसका सच ही नहीं पता उन्हें, क्रिप्टो क्या है लोगों को पता ही नहीं, वो पैसा बनाने के लिए घुस रहे हैं उसमें, सिस्टम क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है वो समझ नहीं पा रहे। उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, आपको चाहिए तो बताना मुझे, बिटकॉइन का सच, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो की एक बहुत बड़ी बात है कि बेसिकली तुम अपने पैसे के रखवाले खुद बनते हो। आज तक जो पैसा चला है या जो भी चला है वो उसमें बेसिकली कस्टोडियन मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम थर्ड पार्टी को दे के रखते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा हमारा नहीं होता और हम उसके साथ हम कंट्रोल किए जा सकते हैं। बट एनीवे, ये बहुत गहरा जा सकता है कंटिन्यूसली और ऑलरेडी 12-13 मिनट हो गए हैं। दो अलग रियलिटीज होने वाली हैं, दो अलग सोसाइटीज होने वाली हैं, दो अलग वेज ऑफ लिविंग होने वाले हैं, और उसमें से हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो आप लोगों को समझ में ना आए, वो इसलिए हो सकता है कि हो सकता है अभी तक आपकी सेंसिटिविटी या अवेयरनेस वहाँ तक आई नहीं है, बट आ सकती है, या फिर सिंपली अगर हम अपने माइंड को अप्लाई करें वर्सेस ये देखना कि दुनिया में क्या चलता है और उसमें फिट कैसे करें, अगर आप अपने माइंड को अप्लाई करोगे तो आपको भी दिख जाएगा क्या गंद चल रहा है और कितना काटा जा रहा है इंसानियत का उन्हीं लोगों से जिनको हम समझते थे वो इंसानियत के अच्छे के लिए वहां है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, 2022 के बारे में बोलना था मेरे को, और सच बताऊं तो इससे ज्यादा खतरनाक समय नहीं है एक मनुष्य को जिंदा होने के लिए, हम बहुत ही इंसैनिटी के समय में जी रहे हैं, हम बहुत ही खतरनाक चेंज के समय में जी रहे हैं, हम रेवोल्यूशनरी समय पे जी रहे हैं। जैसे मेरे ही लाइफ टाइम के अंदर कितनी कितनी चीजें हुई हैं जिन्होंने दुनिया के कोर्स को बदल दिया है, उससे मतलब आप खुद अंदाजा लगा लो कि अभी तक अगर इतना हुआ है तो आगे क्या क्या होने वाला है।